ताकि वो असाँ ही छूट जाए। उस पर एक 307 का मुकदमा पहले चल रहा है। अब अगर ऐसा है तो उसकी आईडी देखो कितनी उम्र हो रही है उसकी। ये तो पुलिस वाले लिख के बता रहे हैं ना 16 साल की उम्र, मगर 16 साल की उम्र वो बाली के लड़का वो। हाँ, एक चाकू उसके सीधा हार्ट पे मार दिया उसके। सब मजाक ले रहे थे, मूवी बना रहे थे, वो कोई कॉल करने को तैयार नहीं था कि पुलिस को या 100 नंबर पर कॉल कर दें किसी को, कोई कुछ नहीं कर रहा था। वो बता रहे हैं वहाँ पे कि वो ये कह रहा था आज किसी को मारूंगा। वो काफ़ी देर से वहाँ घूम रहा था पार्क के अंदर वहाँ पर वो। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज़तर्रार। राजधानी दिल्ली अब भारत की नहीं बल्कि जुर्म की राजधानी बनती जा रही है। यहाँ पर आए दिन कत्लेआम की जो वारदातें हैं वो देखने को मिलती हैं और न जाने क्यों लोग जो है जुर्म में इस तरह से घिरते चले जा रहे हैं। रोज़ाना आपको कहीं ना कहीं से कत्ल की वारदातें देखने को मिल जाती होंगी। इस वक्त मैं वेलकम इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ से भी एक कत्ल की वारदात सामने आई है। अब आखिर इस कत्ल के पीछे की क्या वजह थी ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद। आपके बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद शुएब नाम था उसका। उम्र क्या थी? उम्र उसकी 19 साल थी। कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल की वजह कुछ नहीं थी, बच्चे बैठे हुए मोबाइल चला रहा था और ये लड़का जो नशे में था, ये जिसने मारा है, जब हमारे बेटा जा रहा था अपने दोस्त के साथ, उसको बुलाया उन्होंने, उससे बातचीत करी, फिर उसको बातें में मतलब पिए हुए था वो नशे में, उसके चाकू मार दिया। हाँ। और कहाँ पर हुई ये पूरी वारदात? ये कबूतर मार्केट के अंदर हुई है, पार्क के अंदर। हमने ऐसा सुना था कि जो आपके बेटे और उस लड़के में है थोड़ी बहुत बहस हुई थी किसी बात को लेकर, और बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने कत्ल किया है। ये बात झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये तो पुलिस वाले बता रहे हैं ना, लेकिन क्या लिख रहे हैं हमें क्या पता। वो उम्र भी वो कम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कम उसकी? नाबालिग बताया गया आरोपी, बता रहे हैं उसे बचाने के लिए पुलिस वाले, क्या समझे आप जी? ताकि वो असाँ ही छूट जाए। उस पर एक 307 का मुकदमा पहले चल रहा है, पहले ही चल रहा है, उसने किसी को कुछ मार दिया था पहले भी। अब अगर ऐसा है तो उसकी आईडी देखो कितनी उम्र हो रही है उसकी। ये तो पुलिस वाले लिख के बता रहे हैं ना 16 साल की उम्र, मगर 16 साल की उम्र वो बाली के लड़का वो। अच्छा। हाँ, तो यही आसपास का रहने वाला है? नहीं, वो जनता को निकल रहने वाला है। हाँ, गिरफ्तार हुआ है। हाँ, गिरफ्तार हुआ है, उसे पुलिस पकड़ के ले गए थे उसके घर से ही। और जैसे आप लोग पहले से जान पहचान है आप लोगों से उस लड़के की? नहीं नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं उससे। आपके बेटे से दोस्ती थी उसकी? नहीं, दोस्ती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। नहीं, वो तो शराब पी के बता रहे हैं, मोहल्ले वाले के ऐसे घूम रहा था वहाँ पे, वो शराब पी के कभी इसको पकड़ रहा कभी उसको पकड़ रहा था नशे के अंदर, कह रहा किसी को मारूंगा मैं। अच्छा। ऐसा बोल रहा था वो। अब उन्हें मेरा बेटा जा रहा था अपने दोस्त के साथ, उसको बुलाया और बातें करते करते उसको ऐसे मार दिया। अभी आप बोल रहे थे कि आपके जो बेटा वहाँ बैठ के कुछ गेम खेल रहे थे, वो पबजी से खेल रहे थे बच्चे बैठ के। वैसे क्या करते थे आपके जो बेटे थे? मेरा बेटा पढ़ाई करता था 10वीं में। हाँ, और कंप्यूटर क्लास में जाता था, कोचिंग से आया था, वो खाना खा के फिर इधर आ गया। वो कोई दुश्मनी किसी से? नहीं, दुश्मनी कोई किसी से नहीं थी। और क्या कोई ऐसी वारदातों में आपका बेटा भी इन्वॉल्व था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे? कोई रिकॉर्ड नहीं, देखो चेक करो आप, कुछ नहीं। आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करा दी? हाँ, कंप्लेंट तो हमने कंप्लेंट किया, हमें तो पता नहीं, तो बाद में पता, हम जो था जानने वाला उसको उठा के वहाँ हॉस्पिटल ले गए, पुलिस वहीं पर आई थी, हमें इतना होश ही नहीं था, क्या समझे, हमें तो फोन भी पता चले था, हम जब गए हॉस्पिटल तो बच्चा हमारा खत्म हो चुका था। आप लोगों को किसने जानकारी दी थी कैसे कत्ल हो गया? किसी के हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ोन करा, मैं जाफराबाद किसी काम से गया था, फिर मैं यहाँ पर आया तो फिर हॉस्पिटल ले गया, फिर हमें हॉस्पिटल पहुँचा, हमें हॉस्पिटल मिला वो। तो क्या इकलौता वही है कातिल या और भी लोग शामिल थे इस वारदात में? इसमें पुलिस तो एक को ही दिखा रही है, मगर वो उसमें बता रहे हैं वो लड़का जो था कि दो या नहीं थे, ये एक और है उसके साथ में। कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आई हो वहाँ पर जहाँ ये कत्ल हुआ है? ले गए थी मतलब? हाँ है, वो पुलिस वाले ले गए, DRG जो भी होता वो ले गए उसके। आप लोगों ने दिखाई है? हमें नहीं दिखाई भी कुछ भी। इसी पर कोई शक है आपको कि किसी ने ऐसा करवाया होगा या फिर नशे की हालत में उस लड़के ने ऐसा कर दिया, ये लगता है आपको? अब ये भी हम नहीं कह सकते, देखो जी कि किसी ने मरवाया क्या करा, बहरहाल वो उसका अकेला काम नहीं, उसके दो तीन जनों का काम लड़के सब। क्या मारा कैसे था? चाकुओं से? हाँ, एक चाकू उसके सीधा हार्ट पे मार दिया उसके। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? नहीं, वो फिर भागा, फिर जाकर गया गिर गया बेचारा वहाँ, फिर उसकी डेथ हो गई, उसका सारा ब्लड निकल गया वहाँ से, वो ब्लड निकलने के बाद। तो वहाँ पर जो भी लोग मौजूद होंगे उनमें से किसी ने मदद नहीं की? सब मजाक ले रहे थे, मूवी बना रहे थे, वो कोई कॉल करने को तैयार नहीं था कि पुलिस को या 100 नंबर पर कॉल कर दें किसी को, कोई कुछ नहीं कर रहा था। अगर मोहल्ले वाले जहाँ जिसके घर के आगे पड़ा हुआ था वो हैं, वो कह रहे मुझे बचा लो, अगर कोई कॉल कर देता पुलिस को, या पास में हॉस्पिटल था रहीम का, वहाँ ले आया था कोई उठा के, कोई उठा के नहीं लेके गया। अच्छा, पास में ही हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ही पास में था, 2 मिनट के सामने बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं लेके गया उसको। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इंसान मुर्दा हो चुका है। सब वहाँ वीडियो बना रहे थे, सब देख रहे थे। अगर वो चाहते वहाँ के रहने वाले तो मेरा बच्चा बच सकता था। तो
तो क्या अभी आप इस मामले की पूरी जांच चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से? हाँ जी, पूरी जांच चाहते हैं, पूरी जांच होगी इंशाल्लाह। अब जैसे इंसाफ मिलेगा, आप दिलाओ या कोई कानून दिलाए, कोई भी दिलाए, ये मीडिया के थ्रू दिलाए, कैसे, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चा कसूर क्या था, बात यह ना, उसका कसूर क्या था? तो क्या कोई चोरी चकारी करने की कोशिश की जा रही थी आपके बेटे के साथ, कुछ पता चला आसपास के लोगों ने बाद में बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। बेवजह आके बस चाकू मार दिया उसमें था ना, वो बता रहे हैं वहाँ पे कि वो ये कह रहा था आज किसी को मारूंगा। वो काफ़ी देर से वहाँ घूम रहा था पार्क के अंदर, वहाँ पर वो उसका यही काम है, रोज का रोज दारू पीता है और किसी को चाकू दिखाता है, किसी को कुछ दिखाता है, अपने भरमबाजी कटाता है। मतलब गुंडा है यहाँ का? गुंडा भी क्या है, वो ऐसे ये छचोरा आते हैं, गुंडा क्या है, गुंडे ऐसे थोड़ी ना होते हैं शराब पी के चाकू दिखाएंगे। वो तो बस ऐसे ही है, अपने बच्चों को धमकाता रहता है जी। उसके फादर है वो भी सट्टा चलाते हैं, उनका भी दोनों मेरा काम है। मतलब हाँ, ये मतलब घरेलू बिगड़ा हुआ एक तरह से, क्या समझे। कभी कोई पहले कंप्लेंट की हो उनके खिलाफ किसी ने? हाँ, पहले उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है अभी, आप पता निकालो, दफा 307 का मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर। किसी को ने शायद क्या कहते हैं उसको, कुछ मारा, उसके सुआ मारा या चाकू मारा, ऐसे एक केस चल रहा है उसके ऊपर। देखिए, ये आप सुन रहे थे शोएब के पिता को, जिसका जो है हाल ही में कत्ल किया गया है। और जैसे कि उन्होंने जानकारी हमारे लिए मुहैया कराई कि किस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है, जिसे मैं बार बार दोहराती हूँ, कि आजकल लोग वाकई में शायद मुर्दा हो चुके हैं। कोई इतनी ज़ख्मी हालत में है, आपसे मदद मांग रहा है, लेकिन आप मदद करने की बजाय उस व्यक्ति की वीडियो बना रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। अगर कभी आप भी कुछ ऐसा मंजर देखते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका यही होना चाहिए कि आप पुलिस को कॉल करें। अगर आसपास कोई अस्पताल मौजूद है, तो उस व्यक्ति को अस्पताल में लेकर जाएँ। हो सकता है कि आपकी ये जो पहल है, वो किसी की जान बचा सके और किसी के घर का जो चिराग है, वो बुझने से बच जाए। पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप